नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, हालांकि सरकार ने कुछ एक बार झटका दिया था, आपको पता ही है साथियों। विजिट वीज़ा के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि भाई सरकार ने पलटी मारते हुए आपका जो वीज़ा दिसंबर 2020 तक जो एक्सटेंड किया था उसको डाउन करके 12 अगस्त तक, ऐसा कुछ वीडियो में मैंने पहले बताया भी था और आपको सबको पता ही होगा। लेकिन सरकार ने एक अपडेट पहले भी दिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आज फिर एक अपडेट और दे दिया है। अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा क्योंकि सरकार को भी पता है भाई, यूएई सरकार को पता है कि कोविड-19 भयंकर तरीके से चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फ्लाइटें स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। दुबई यूएई में बैठ के इलीगल होना किसी को मजा नहीं आता, मजबूरी में इंसान को बैठना पड़ता है। तो उन्होंने आपकी स्थिति को समझते हुए आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंड और कर दिया गया, आपका वीजा से रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं आपको, विजिट वीजा आपका, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे आपका टूरिस्ट वीजा हो, चाहे आपका वर्क परमिट, रेजिडेंशियल वीजा, बिजनेस वीजा, कोई भी वीजा आपके पास हो और आप यूएई दुबई में वहां पे मौजूद में अभी बैठे हैं, तो पहले सरकार ने आपको पता है जो 1 मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर होते हैं उनको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। उसके बाद में इसको कैंसिल करते हुए आपको पता है कि 12 जुलाई लास्ट की थी। जी हाँ साथियों, 12 जुलाई के बाद में 1 महीने का आपको एक्सटेंड कर दिया गया था वीज़ा कि भाई 11 अगस्त तक आप यूएई में रह के अपना जो भी आपका प्रोसेस है, आपको अपनी कंट्री वापस जाना है, आपको वीज़ा एक्सचेंज करवाना है, आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करवाना है, वर्क परमिट आपको चेंज करवाना है, आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया था। जी हाँ, लेकिन कल की न्यूज़ साथियों बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए बन के निकल के आई है कि भाई सरकार ने आपकी सिस्टम को देखते हुए, आपकी मजबूरी को देखते हुए 1 महीने का टाइम और दे दिया है। जी हाँ साथियों, अभी जो टाइम 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक का आपको दिया गया था, लेकिन अभी 11 अगस्त से भी 1 महीने का टाइम और आपको बढ़ा दिया गया। जी हाँ, यानी अब आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये उन्हीं पे लागू हो रहा है। ये मैं क्लियर कर दूं, ये उन्हीं पे लागू हो रहा है जो 1 मार्च के बाद में जिनके वीजा एक्सपायर हुए हैं, चाहे वीजा कोई भी हो, वर्क परमिट वीज़ा, आपकी इमरेट्स आईडी, आपका वर्क परमिट वीज़ा, आपका विजिटर वीज़ा, आपका टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी तरीके का वीज़ा हो, 1 मार्च के बाद में जो है उनके ऊपर ये लागू हुआ था। अभी आपको 12 अगस्त के बाद में 1 महीना और मिल जाएगा ग्रेस पीरियड के तौर पे। जी हाँ साथियों, तो अभी सरकार ने भाई आपके लिए अच्छा कदम उठा लिया है, 12 अगस्त के बाद में भी आपको 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा ग्रेस पीरियड के तौर पे। वो भी पहले आपने, आपको पता है सरकार ने घोषणा की थी कि 12 अगस्त के बाद में जो नहीं जाएगा वो फर्स्ट टाइम उसका 200 दराम आपकी पर डे फाइन लगेगा, 1 दिन के बाद में सेकंड टाइम से आपका 100 दराम दुबई दराम फाइन लगेगा। जी हाँ साथियों, तो बहुत बड़ा, ये थोड़ा गलत हो रहा था आप लोगों के साथ में। तो भाई यूएई सरकार ने आपकी भावना को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए आपका 1 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें अब ये मत पूछना कौन सा वीजा, सभी तरह का वीजा जो एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए 1 महीने का, अगस्त 12 अगस्त के बाद में 1 महीने का टाइम और मिल गया। तो आपके पास भैया खूब टाइम पड़ा, 1 महीना अगस्त तक, 12 अगस्त तक ये पड़ा, आगे 1 महीना और मिल गया, 2 महीने का टाइम अभी आपके पास आज की डेट से पड़ा है। जी हाँ, यह मान लीजिए आप 19 जुलाई के बाद में 2 महीने का टाइम पड़ा है, तो आपको वीजा एक्सटेंड करवाना है, इमिग्रेट्स आईडी आपको रिन्यू करवानी है, आपका वर्क परमिट वीजा रिन्यू करवाना है, आपको वीजा स्टेटस चेंज करवाना है, वर्क परमिट में चेंज करवाना है, जो कुछ भी आपको मर्जी करवाना चाहे वो सब कुछ आप करवा सकते हैं। सरकार ने आपको बेहतरीन टाइम दे दिया भाई, अब इसमें गलती उनकी नहीं कह सकते। हालांकि हमने पहले बताया था कि वे सरकार ने अपने वादे से पलटी, लेकिन पलटते हुए कुछ उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं, तो ये अच्छी न्यूज़ है भाई। फ्लाइट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो वो वीडियो पे आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।